हाँ जी बेटा असलकम कैसे हैं आप लोग आज ही जल्दी से और सब खैरियत खेर, है फिट हैं प्लीज हरिया हाँ जी बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मल फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स के आपको पता है ना सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और थर्मल फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ रहे हैं हम पढ़ चुके हैं कंडक्शन कन्वेक्शन आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन एंड कोशिश करेंगे वाइप्रेशन भी ख़त्म हो जाए ठीक है तो इससे पहले हमने थर्मोलॉजी चैप्टर में क्या पढ़ा पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी इंटरनल एनर्जी क्या होता है आइटम uh, क्या होता है मैटर क्या होता है देन वी डिस्कस मैटर की स्टेट्स पढ़ी फिर हमने ब्राउनियन मोशन पढ़ी फिर हमने एक्सपेंशन पढ़ी थर्मोमीटर्स पढ़े टेम्परेचर पढ़ा गैस लॉस डिस्कस किए और उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ हीट तो कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए हीट ट्रांसफर होने के लिए कंडक्शन में क्या है एटम्स होंगे तो कोलाइड करके आगे हीट भेजेंगे ना और कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए जो खुद मूव होकर अपनी एनर्जी लेके जाएगा इन दोनों में मीडियम चाहिए होता है लेकिन एक और तीसरा प्रोसेस जो होता है जिससे मीडियम नहीं चाहिए होता उसका नाम है रेडिएशंस तो हेडिंग लिखिए रेडिएशंस Radiations. क्या होता है ये ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें मीडियम नहीं चाहिए द द ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ऑफ हीट हीट विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव्स जिसमें इन्वॉल्व है मीडियम इन्वॉल्व नहीं है उसको रेडिएशन बोलते हैं सन से अर्थ पे जो एनर्जी आ रही है सन और अर्थ के दौरान मीडियम तो नहीं है ना वैक्यूम है ना स्पेस है ना तो भी एनर्जी यहां पे पहुंच रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू इनको बोलते हैं थर्मल रेडिएशंस। कितनी किस्म की होती है तीन किस्म की होती है इंफ्रारेड विजिबल लाइट और सॉरी इंफ्रारेड विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट लेकिन मेनली इन्वॉल्व कौन होती है इंफ्रारेड रेस तो लिखते हैं बेटा रेडिएशन क्या होता है इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट रिक्वायरिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट

मैग्नेटिक वेव्स थ्रू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस हीट का ट्रांसफर होना थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जिसमें मीडियम नहीं चाहिए कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए सन से जो यहां तक हीट आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है थ्रू थ्रू रेडिएशन आ रही है अगर मैं हीटर छत के ऊपर लगा देता हूं यहां पे लगाता हूं हीटर तो हीटर में जो कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट जाएगी तो ऊपर जाएगी कंडक्शन में मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे वो लेस डेंस होकर राइस करेंगे ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी अगर हीटर ऊपर लगा हुआ है, और मुझे यहां पे उसकी हीट फील हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हो रही है हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस हीट इज ट्रांसफर थ्रू थर्मल रेडिएशन हीट इज

Uh, visible light and uv rays ultraviolet ultraviolet rays are called thermal radiation are known as thermal radiations ओके, विजिबल एंड आर थर्मल रेडिएशन कौन सी थर्मल रेडिएशन होती हैं? है मेनलीफ्रारेड विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट लेकिन मेन ये होती है ये मेन मेन हीट ट्रांसफर में रेडिएशन में ये इन्वॉल्व है इंफ्रेड रेज इन्वॉल्व है तो फिर ब्लर हो गया ओहो ओके देखता हूं बेटा हाँ भाई रेडिएशन क्या होता है द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जिसे मीडियम नहीं चाहिए कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए तीन किस्म की रेडिएशन होती हैं कौन कौन सी कौन कौन सी इंफ्रारेड विजिबल लाइट अल्ट्रावाइलेट रेस जिनको मीडियम नहीं चाहिए सन से यहां पे जो हीट आ रही है वो इन रेस के थ्रू आ रही है सबसे मेनली इन्वॉल्व कौन सी है वो इंफ्रारेड रेड रेस इन्वॉल्व है अच्छा बेटा अब हीट ट्रांसफर क्या होता है हर बॉडी थर्मल रेज एब्जॉर्ब भी करती है भी करती है देखिए एवरी ऑब्जेक्ट जी जी, जी जी कौन पूछ रहे बेटा जैनब हम पढ़ रहे हैं ना ट्रांसफर ऑफ हीट तो ट्रांसफर ऑफ हीट के मैंने आपको चार प्रोसेसेस बताए थे कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ रहे हैं एंड एवेपोरेशन दो रहते हैं ना आज हम पढ़ रहे रेडिएशन कौन, रेडिएशन किस कौन सी रेडिएशन थर्मल रेडिएशन कौन सी होती है इंफ्रारेड विजिबल लाइट एंड यूवी रेज ये जो थर्मल रेडिएशन होती है ये हीट को ट्रांसफर करती है इनको मीडियम नहीं चाहिए होता तो ये थर्मल फिजिक्स का टॉपिक है बेटा अच्छा एवरी ऑब्जेक्ट एवरी ऑब्जेक्ट emits एंड एब्सॉर्ब्स थर्मल रेडिएशन पीछे करूं ओके okay. ऐसे पीछे स्लाइड देख लें बेटा छोड़ो जल्दी करें the transfer of heat विदाउट अ मीडियम थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडिएशन रेडिएशन क्या होता है ऐसा प्रोसेस जिसपे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है इसे मीडियम नहीं चाहिए होता कौन सी रेज इन्वॉल्व है जो रेज इन्वॉल्वमेंट का नाम रखिए थर्मल रेडिएशन थर्मल रेडिएशन तीन किस्म की होती है इन्फ्रोरेड विजिबल लाइट यूवी रेज मेनली इन्वॉल्व कौन है इन्फ्रा रेज इन्वॉल्व है अब हर बॉडी क्या करती है थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है थर्मल रेडिएशन एमिट भी करती है तो आप कहेंगे सर फिर हीट ट्रांसफर कैसे होती है कि भाई एब्जॉर्ब भी कर रही है एमिट भी कर रही है एब्जॉर्ब भी कर रही है एमिट भी कर रही है तो अब मैं बात करता हूं प्लीज कॉपी कर लें मेनली ये इन्वॉल्व है मेनली इन्वॉल्व इंफ्रा रेड प्लीज हरी आप कॉपीड ओके okay बेटा चले आगे जी रेडिएशन हम ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ रहे हैं अच्छा बेटा एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स एंड एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन अब ये बॉडी है अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री है इस बॉडी का टेम्परेचर भी 20 डिग्री है तो ये क्या करेगा ये रेडिएशन एमिट करेगा यूं दिखा रहा हूँ रेडिएशन एमिट कर रहा है रेडिएशन एमिट कर रहा है रेडिएशन एमिट कर रहा है और ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है ये रेडिएशन कर रहा है रेडियन कर रहा है जब इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो जितनी एमिट करेगा उतनी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा नेट हीट फ्लो इज जीरो नेट हीट ट्रांसफर कॉपी करते रहें। जीरो। क्यों जितनी रेडिएशन एमिट की है उतनी रेडिशन एब्जॉर्ब की है टेम्परेचर सेम है थर्मल इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग में 20 पे बैठी हुई है, भी 20 पे बैठा हुआ है तो क्या करेगा जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उतनी एमिट करेगा ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना टेम्परेचर कम होगा नेट हीट फ्लो नहीं होगा नेट हीट फ्लो कितना है जीरो नेट हीट ट्रांसफर जीरो है हाँ। अगली बात यह है कि अगर इसका टेम्परेचर वन ट्वेंटी है या हंड्रेड है और बाहर टेम्परेचर ट्वेंटी है तो क्या होगा तो भी यह रेडिएशन एमिट भी करेगा एब्जॉर्ब भी करेगा तो भी आप कहेंगे सर नेट हीट ट्रांसफर तो जीरो होना चाहिए जितनी इमिट करे उतनी एब्जॉर्ब कर नहीं अब हो यह रहा है कि एमिट कर रहा है ज्यादा फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा पावरफुल रेस एमिट कर रहा है एब्जॉर्ब कम पावरफुल कर रहा है तो ये नेट एमिटर बन जाएगा अभी बात करते हैं पहले ये कॉपी करें एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स एंड एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन अब ये बॉडी है सराउंडिंग टेम्परेचर भी ट्वेंटी इसका टेम्परेचर भी ट्वेंटी तो ये नेट हीट फ्लो जीरो है क्योंकि टेम्परेचर जो सेम है थर्मल तो इक्विलिब्रियम होता है तो नेट हीट फ्लो जीरो होता है पता है आपको बॉडीज में थर्मल इक्विलिब्रियम है अच्छा फ द बॉडी इज एट हाई टेम्परेचर दिन सराउंडिंग तो फिर क्या होगा कॉपीड? ये एरोस क्या है आउटवर्ड क्या है रेडिएशन एमिटेड ये क्या है रेडिएशन एमिटेड और ये क्या है रेडिएशन एब्सॉर्ब रेडिएशंस आप कहेंगे सर ये रेडिएशन आई कहां से कैसे एमिट किए क्यों एमिट कर रहे हैं जिस भी चीज के एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना जिस भी चीज के एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं उसके अंदर से क्या निकल रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होती हैं जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होती हैं सुन रहे मेरी बात जिस भी चीज के आइटम मूव कर रहे हैं वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी काइनेटिक इंटो पोटेंशियल इंटू काटिक इंटो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आते जा रहे हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रही है तो किसी भी चीज का टेम्परेचर जीरो कैलवन तो नहीं है ना जीरो कैलवन पे एटॉमिक मोशन सीज हो जाएगी ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं इससे निकल रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकल भी रही है एबजॉर्ब भी कर रहा है तो जितनी एनर्जी की निकल रही है उतनी एनर्जी की एब्जॉर्व कर रहा है नेट हीट फ्लो जीरो है अब अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अब यह है कि इस बॉडी का टेम्परेचर है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और इस बॉडी का टेम्परेचर है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस Ooh. और सराउंडिंग का टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस अब क्या होगा इसकी बात करते हैं ये क्या करेगा इट एमिट्स रेडिएशन ये रेडिएशन एमिट कर रहा है एमिट कर रहा है एमिट कर रहा है एमिट कर रहा है मैं वेव्स की तरह बना रहा हूं यू एमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना यू एमिट कर रहा है यू एमिट कर रहा है यू एमिट कर रहा है एब्जॉर्ब भी कर रहा है ये रेडिएशन कर रहा है कर कर रहा है रहा है ये मैं यूं बना रहा हूं रेडिएशन कर रहा है वेव्स की तरह कर 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 एमिट भी कर रहा है, भी कर रहा है, तो नेट हीट फ्लो तो जीरो होना चाहिए ना नहीं बेटा जीरो नहीं है अब हो ये रहा है और इसकी वेवलेंथ लॉन्गर दिखाई हुई है तो ये क्या कर रहा है एमिट रहा है हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ये तो एमिट कर है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एनर्जी ज्यादा है एंड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और दूसरी वाली वेव्स की क्या है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कम है वेवलेंथ जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है तो ये नेट एमिटर है ये एमिट ज्यादा एनर्जी की कर रहा है एब्सॉर्ब कम एनर्जी की कर रहा है मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देता हूं देखो मैं कहता हूं मैं टीचर हूं और स्टूडेंट्स बैठे हुए पचास मैं कहता हूं चलो जी पैसे एक्सचेंज करते हैं एक नोट आप दो एक नोट मैं आपको दूंगा एक नोट मुझे आप देना तो अगर मुझे वो बीस रुपए का नोट देते हैं और मैं बीस रुपए उसको वापस कर देता हूं एक और बच्चे से बीस रुपए लेता हूं बीस रुपए वापस कर देता हूं दूसरे से बीस रुपए लिए बीस रुपए वापस कर दिए तो मेरे पास कितने पैसे होंगे ना बढ़ेंगे ना कम होंगे क्योंकि बीस रुपए ले भी रहा हूं बीस रुपए दे भी रहा हूं ऐसा ही है ना लेकिन अगर मैं बच्चों से लू बीस बीस रुपए और उनको बीस रुपए लेके सौ रुपए दे दू बीस रुपए ले लू सौ रुपए दे दू बीस रुपए ले लू सौ रुपए दे दू अब क्या है मैं पैसे ले भी रहा हूं और पैसे दे भी रहा हूं लेकिन दे ज्यादा वैल्यू के रहा हूं तो मैं नेट लूजर हो जाऊंगा ना नेट इमिटर हो जाऊंगा ना तो हो ये रहा है कि सौ रुपया सौ रुपया दे रहा है और बीस रुपया ले रहा है देखो ट्वेंटी डिग्री है ना रुपया ले रहा है सौ रुपया दे रहा है नोट एक्सचेंज हो रही है रेडिशन आ भी रही है रेडिशन जा भी रही है जा ज्यादा पावर की रही है आ कम पावर की रही है तो ये नेट इमिटर है ठीक है लिख देता हूं एट इज एब्जॉर्बिंग हीट रेडिएशन ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी हीट रेडिएशंस ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ब्रेकिट में एनर्जी भी लिख लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोशनल होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वे में लेस फ्रीक्वेंसी एंड एमिटिंग एमिटिंग रेडिएशंस ऑफ मोर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तो therefore it इट इज नेट therefore three dots. तीन डॉट्स net emitter. नेट एमिटर emitter नेट एमीटर है ये नेट एमीटर है और ऑपोजिट यहां पर होगा चलिए मैं 20 और 10 की एग्जांपल ये मैं माइनस टेन नहीं लिखता ये 20 है ना इसको हंड्रेड कर देख टेम्परेचर की वैल्यू वही लिखता हूं जो आसान है हां जी सराउंडिंग टेम्परेचर हंड्रेड है सराउंडिंग टेम्परेचर इसका टेम्परेचर ट्वेंटी है ये सराउंडिंग टेम्परेचर है अब ये बॉडी क्या करेगी हीट रेडिएशन इमिट भी करेगी लो हीट रेडिएशन एमिट करेगी लो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी लॉन्गर वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी लॉन्गर वेवलेंथ एमिट कर रही है ये एमिट कर रही है और साथ में सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है एब्जॉर्ब हो, हो रही है कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी शॉर्टर वेवलेंथ दिखा रहा हूं तो क्या करेगा ये नेट एब्जॉर्बर हो जाएगा ये बीस रुपए दे रहे हैं और सौ रुपए ले रहे हैं हर बच्चे से मैं क्या करूं बीस रुपए लू नहीं बीस रुपए लेने नहीं है सौ रुपए लेने बीस रुपए देने है मैं हर एक से सौ रुपया लू बीस रुपया दू अस्सी रुपए का फायदा हो गया ना एक ट्रांजेक्श में फिर तुमसे कितने लिए सौ रुपये ले लिए बीस रुपए दे दिए सौ रुपए ले बीस रुपए दे दिए तो क्या हो रहा है नोट तो बराबर के हैं ले भी रहा हूं दे भी रहा हूं ले भी रहा हूं दे भी रहा हूं लेकिन ले, ले ज्यादा वैल्यू के रहा हूं दे कम वैल्यू के रहा हूं तो मेरे पैसे ज्यादा हो जाएंगे ना नेट एब्जॉर्बर बन जाऊंगा ये नेट एब्जॉर्बर है ये क्या है नेट एब्जॉर्बर हर बॉडी रेडिएशन एमिट भी करती है रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है तो क्या कह रहे हैं ये जो एब्जॉर्ब कर रही है ये हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब की एनर्जी ज्यादा है रेडिएशन एमिट की एनर्जी कम है इट इज एब्सॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग

नेट की बात करेंगे नेट हीट फ्लो की बात करेंगे तो प्लीज कॉपी करें जल्दी से जी मेरा बेटा जल्दी से कॉपी करें बता दिया करें कॉपीड। हरिया प्लीज गुड अच्छा बेटा अब हर बॉडी रेडिएशन एमिट भी कर रही है रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रही है लेकिन कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो ज्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और कम एमिट करते हैं या कुछ कम एमिट करते हैं ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो कौन से कलर्स हैं जो डार्क कलर्स होते हैं और सबसे डार्केस्ट कलर कौन सा ब्लैक कलर जो डल ब्लैक कलर्स है वो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होगा तो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से, से ज्यादा होगा तो एमिट भी ज्यादा करेगा तो हर बॉडी रेडिएशन एमिट भी करती है एब्जॉर्ब भी करती है लेकिन जो डार्क कलर्स होते हैं डल ब्लैक सर्फेसिस जो होती हैं, है, वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा करती है एमिट भी ज्यादा करती है हम बात करते हैं डल ब्लैक बॉडीज आर गुड absorbers good absorber cup when they are cold when they are colder than surrounding and colder when colder than surroundings black bodies are good absorbers when colder than surrounding and good emitters एमिटर कब होती है जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होता है देन सराउंडिंग देन सराउंडिंग्स हाँ जी गुड ब्लैक बॉडीज जो होती है ना डल ब्लैक कलर वो एमिटर भी अच्छी होती है एब्जॉर्बर भी अच्छी होती है एमिटर कब होंगी जब उनका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो तो ये नेट मीटर होंगे ना ये नेट की बात करो नेट एमीटर नेट एब्जॉर्बर डल ब्लैक कलर गुड एबीटर भी होती है गुड एब्जॉर्बर भी होती है जहां पे हमने ज्यादा रेज को एब्जॉर्ब करना होता है वहां पे डल ब्लैक कलर यूज करते हैं जो सोलर पैनल्स होते हैं ना उनके बॉर्डर जो सोलर सेल्स होते हैं सोलर पैनल्स होते हैं उनके जो बॉर्डर्स होते हैं वो ब्लैक डल ब्लैक होते हैं ताकि ज्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो हम गर्मियों में सॉरी सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि ज्यादा हीट रेडिशन एब्जॉर्ब हो हमें ठंड ना लगे इसी तरीके से जब हमने रेडिएशन एमिट करनी होती है जब रेडिएशन एमिट करनी होती है तो भी डल ब्लैक सर्फिस वो ज्यादा अच्छी एमिटर होती हैं कब जब हमने जब हमने इस फ्रिज को जल्दी ठंडा करना है फ्रिज के पीछे गर्म हवा होती है ना जो यू नो फ्रिज के अंदर हवा का साइकिल चल रहा होता है अंदर जब पाइपों से गुजरती है तो कोल्ड एयर होती है पाइपों के अंदर जैसे पाइप कोल्ड होते हैं तो चीजें ठंडी हो जाती है चीजों की हीट एब्जॉर्ब करती है तो गर्म हवा रेफ्रिजरेटर के पीछे पाइप होते हैं फिन्स होते हैं वहां से गुजरती है और फिन्स ब्लैक कलर के होते हैं रेफ्रिजरेटर के पीछे जो पाइप गुजर रहे होते हैं टेढ़े मेढ़े जिक जैक देखे हों तो भी शायद वो ब्लैक कलर के होते हैं ताकि ज्यादा रेडिएशन एमिट करें तो डल ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर एब्जॉर्बर कब होंगी वे कोल्डर देन कब होंगी? देन सराउंडिंग, ब्लैक बॉडीज इसलिए सोलर पैनल्स के जो बेसिस हैं वो ब्लैक कलर की होती है ताकि ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करें रेफ्रिजरेटर की जो पीछे फिन्स होती हैं, वो ब्लैक कलर की होती हैं ताकि ज्यादा रेडिएशन एमिट करें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर सकते हैं इसके बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन दो थर्मोमीटर लें एक थर्मोमीटर ये, एक थर्मोमीटर ये, दोनों को धूप में रखना है सन में प्लेस्ड इन सन एक के बल्ब के ऊपर इसके बल्ब के ऊपर व्हाइट टेप या व्हाइट टेप है व्हाइट टेप चिपका दी, और एक के बल्ब के ऊपर ये ब्लैक टेप ये ब्लैक टेप है हाँ दो थर्मोमीटर्स हैं थर्मोमीटर्स थर्मोमीटर ए और थर्मोमीटर बी दोनों को सन में रख दिया एक दो मिनट बाद रीडिंग ले, रीडिंग लें तो आप देखेंगे कि जो जिसके ब्लैक है ना जिसके जिसके बल्ब के ऊपर ब्लैक टेप है यहां पे ब्लैक टेप है नजर नहीं आ रही सही तरह ये ब्लैक टेप है ब्लैक जिसके बल्ब के ऊपर ब्लैक टेप है वो ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा क्योंकि ज्यादा रेडिएशन रेडिक्शन कर रहा है तो अगर मैं दो थर्मोमीटर लू एक के बल्ब पे टेप चिपका दू व्हाइट कलर की और एक के बल्ब पे टेप चिपका दू ब्लैक कलर की दोनों को धूप धूपे रखू सेम टाइम के लिए बाहर निकालू तो देखेंगे कि ब्लैक वाला थोड़ी ज्यादा रीडिंग देगा ये क्या करेगा हाँ जी एट विल शो मोर टेम्परेचर एक नंबर का है तो बता सकते हैं दो थर्मोमीटर लें दोनों को धूप में रख दें प्लेस्ट इन सन टू थर्मोमीटर प्लेस्ट इन सन लिख देता हूं थर्मोमीटर्स आर प्लेस्ड इन सन तो क्या होगा व्हाइट टेप और ब्लैक टेप ये ज्यादा रीडिंग देगा और ये कम रीडिंग देगा डन ये एक मार्क के लिए आ जाए तो ऐसे लिख सकते हैं लेकिन अगर ये थ्री मार्क की इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि इन्वेस्टिगेट करें कि ब्लैक बॉडीज आर गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर ऑफ फ्यूट रेडिएशन तो हम क्या कर सकते हैं एक और भी डेमो कर सकते हैं एक और भी डेमोस्ट्रेशन बताता हूं प्लीज कॉपी कर लेंगे क्या करें जी दो प्लेट्स लें प्लेट आइडेंटिकल प्लेट लें एक के वाइट एक ब्लैक दोनों पे पेंट कर दिया, पे दिया, पे दिया. पे, ड्रॉप गिराएं और एक कॉइन चिपका दें बैक साइड पे. पे भी कैंडल वैक्स से कॉइन चिपका दें प्लेट्स के यहां पे ब्लैक कलर और बाहर हमने क्या किया वेजलिन का ड्रॉप लगाया उसके ऊपर कॉइन चिपका दिया यहां पे यहाँ पे व्हाइट पेंट है का एक ड्रॉप डाला और एक कॉइन चिपका दिया और दरम्यान में रख लिया हीटर आप देखेंगे हीटर से हीट साइडों को जाएगी साइडों को जो हीट जा रही है वो रेडिएशन के थ्रू जा रही है कन्वेक्शन से ऊपर जाती है अब हीटर दरम्यान में रखती है हीटर से दोनों हीट रेज एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा जिसका कॉइन जल्दी गिर जाएगा वो अच्छे एब्जॉर्बर है तो आप देखेंगे जिस पे ब्लैक पेंट किया हुआ है उसकी जो आउटर साइड पे कॉइन है वो जल्दी गिर जाएगा क्यों जल्दी गिर जाएगा वो ज्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है इस एक्सपेरिमेंट में ख्याल क्या रखना है आइडेंटिकल प्लेट्स होनी चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे रखना है बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना है ना हमने कलर को कंपेयर करना है ना सिर्फ कलर डिफरेंट होना चाहिए बाकी सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि ब्लैक कलर अच्छी व्हाइट कलर अच्छी है तो हम ये कर सकते हैं दो मेटेलिक प्लेट ली एक व्हाइट और एक और प्लेट ली इसकी आउटसाइड पे व्हाइट पेंट है वाइट अंदर वाली साइड पे सॉरी इसकी अंदर वाली साइड पे व्हाइट पेंट और इसके यहां पे ब्लैक पेंट अच्छा क्या करना है कॉइन चिपकाना है कॉइन यहां पे कॉइन चिपका दिया कॉइन और इसके आउट, आउट आउटर साइड पे कॉइन क्वाइन अटैच विद वेजलिन ये कैंडल वैक्स भी हो सकते हैं मेटैलिक प्लेट है ये दोनों है, है क्या ये दो मेटेलिक प्लेट्स आइडेंटिकल मेटैलिक प्लेट्स ये दोनों क्या हैं आइडेंटिकल मटैलिक प्लेट्स आर आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स अच्छा इनके दरम्यान में क्या रख दिया है? हीटर बिल्कुल सेंटर पे यहां पे बिल्कुल सेंटर पे रख दिया हीटर ये रेड से बना रहा हूं क्या है हीटर हीटर ऑन करेंगे तो दोनों तरफ रेडिएशन जाएंगी व्हाइट वाली प्लेट की तरफ जिसके अंदर वाली साइड पे व्हाइट कलर क्या हुआ इस तरह है

विद ब्लैक प्लेट विल फॉल फर्स्ट क्या प्रूव होता है प्रूविंग दैट ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशंस ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशंस प्लीज जल्दी से कॉपी करें हाँ जी हम पढ़ रहे हैं हीट रेडिएशंस हीट रेडिएशन क्या होती है द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस जिसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती कंडक्शन में मीडियम चाहिए होता है मीडियम होगा तो मॉलिक्यूल कोलाइड कर करके आइटम्स को लाइट कर करके कर कर अपनी एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम से तीसरे एटम में फॉरवर्ड करेंगे पास ऑन करेंगे कन्वेक्शन में क्या होगा कन्वेक्शन होता है द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मीडियम मीडियम होगा टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सपेंड करेगा लेस डेंस होगा राइस करेगा एंड विल बी रिप्लेस बाई कोल्ड डेंस ऑफ फ्लूड दोनों में मीडियम चाहिए लेकिन तीसरा जो मेथड है रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसे मीडियम नहीं चाहिए कोई चीज नहीं चाहिए स्पेस होगी तो भी रेडिएशन गुजर जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन हर वो चीज जिसके आइटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनसे जितनी फ्रिक्वेंसी से आइटम वाइब्रेट कर रहे हैं उतनी फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट हो रही है रेडिएशन एमिट भी हो रही होती है रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हो रही होती है अगर तो बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर की इक्वल है तो तो नेट हीट फ्लो जीरो है ना वो एब्जॉर्ब रहा है ना वो एमिट कर रहा है मतलब कर रोन दोनों रहा है नेट फ्लो जीरो है जितनी वैल्यू की उतनी वैल्यू की है लेकिन अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो क्या करेगा वो एमिट ज्यादा पावर की करेगा एब्सार्ब कम पावर की करेगा तो नेट एमिटर होगा एंड वाइस वर्सा अगर किसी चीज का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होगा तो एबजॉर्ब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की करेगा एमिट लेस फ्रीक्वेंसी की करेगा वो नेट एब्जॉर्बर होगा हर बॉडी हीट रेडिएशन एमिट भी करती है एबजॉर्ब भी करती है लेकिन जो ब्लैक बॉडीज होती है वो अच्छी एब्जॉर्बर अच्छी एमिटर होती है हमने दो एक्सपेरिमेंट किए प्रूव कर लिया थर्मोमीटर पर ब्लैक पेंट किया या ब्लैक टेप रखो धूप पे वो ज्यादा रीडिंग देगा व्हाइट के मुकाबले में और यहां पे ब्लैक वाली प्लेट पे कॉइन जल्दी नीचे गिर जाएगा और व्हाइट वाली से देर से नीचे गिरेगा इसका मतलब ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन जहां पर भी हीट एब्जॉर्ब करनी हो हम डल ब्लैक कलर यूज करते हैं अच्छा बेटा और एक और भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इससे भी ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन क्या है कि आप दो आइडेंटिकल कप लें आइडेंटिकल कप एक पे व्हाइट पेंट किया हुआ है एक पे ब्लैक पेंट किया हुआ है, दो कपे व्हाइट यह है ब्लैक ठीक है इनके दरमियान में इक्वे डिस्टेंट पे हीटर रख दिया इक्वे डिस्टेंट जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस दरमियान में हीटर रख दिया अब दोनों में थर्मोमीटर इमर्स कर दिया यहां भी थर्मोमीटर है थर्मोमीटर क्या हो रहा है जी टू आइडेंटिकल कप्स वन इज पेंटेड ब्लैक एंड वन इज पेंटेड व्हाइट टू Identical cups, one is painted white, and other is black, painted black. Mother is painted black. Are placed at equidistant from heater are placed at equi distance from heater the temperature is recorded at regular intervals temperature. इज रिकॉर्डेड फॉर इच एट रेगुलर इंटरवल्स हां जी दोनों का रेगुलर टेम्परेचर से हम लेते रहे हैं एन प्लॉटेड अ ग्राफ इज प्लॉटेड ग्राफ ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम इज प्लॉटेड कैसा बना ग्राफ कैसा बनेगा ग्राफ तो देखें टेम्परेचर टाइम इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है आप टेस्ट एडिक्वेट इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहां पे पानी है पे भी पानी है सेम अमाउंट ऑफ वॉटर विद सेम इनिशियल टेम्परेचर क्या है जी ये लिख देता हूं सेम अमाउंट ऑफ वॉटर एट सेम इनिशियल टेम्परेचर एट सेम इनिशियल टेम्परेचर हां जी सेम अमाउंट ऑफ वॉटर जितना यहां पे होता है यहां पे है जितना यहां पे इनिशियल टेम्परेचर उतना वहां पर है जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है अब अब रिलायबल रिजल्ट आएंगे ना अब रिजल्ट क्या आए एक का टेम्परेचर यू बढ़ रहा है एक का टेम्परेचर यूं बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये ये किसका होगा ब्लैक वाले का और ये किसका होगा व्हाइट वाले का जिसका टेम्परेचर तेईस से बढ़ रहा है जल्दी जल्दी बढ़ रहा है ज्यादा बढ़ रहा है वो ब्लैक होगा ब्लैक ज्यादा रेडिएशन का ऑब्जॉर्व करता है और जिसका टेम्परेचर स्लोली बढ़ रहा है वो व्हाइट होगा तो क्या प्रूफ हुआ कि ब्लैक बॉडीज़ आर गुड एब्जॉर्बर प्रूफ ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर्स हमने क्या किया दो कप लिए एक पे व्हाइट पेंट कर दिया एक पे ब्लैक पेंट कर दिया आइडेंटिकल कप लिया आइडेंटिकल पानी डाला इस पर भी हंड्रेड ग्राम इस पर भी हंड्रेड ग्राम ये नजर इक्वल नहीं आ रहा मैंने हाथ से बनाया ना इसलिए और यह इस पानी का टेम्परेचर भी ट्वेंटी था इसका भी ट्वेंटी था दरम्यान में हीटर रखा भाई हीटर है। ये हीटर है है ये इक्वल डिस्टेंस पे रखा एक एक मिनट के बाद रीडिंग लेते रहे दोनों थर्मोमीटर की ये जो तो इमर्स किया हुआ है थर्मोमीटर है क्या किया जी एक एक मिनट बाद रीडिंग लेते रहे तो देखेंगे जो ब्लैक वाला कप है उस पर रीडिंग तेजी से बढ़ रही है इसका मतलब ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन बहुत आसान है मुश्किल नहीं है दोनों में इनिशियली कोल्ड वाटर डाला है इनिशियली यहां भी कोल्ड वाटर है यहां भी कोल्ड वाटर है ताकि वो हीटर से हीट एब्जॉर्ब करे प्लीज हरी आप कॉपी कर लें तो बताएं बेटा फॉर्मली लिखेंगे तो इस पे ज्यादा नंबर मिलेंगे कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स दैट ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन तो आपने ते टेम्परेचर का आ, हीट का और कलर का रिलेशन चेक करना है ना तो बाकी तमाम चीजें कॉन्स्टेंट होनी चाहिए हमें कैसे पता चलेगा हमारे रिलायबल रिजल्ट है आप बोलेंगे आइडेंटिकल कप है अब बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं सेम मैस ऑफ वाटर है और सेम इनिशियल टेम्परेचर है कंट्रोल वेरिएबल्स हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के कंट्रोल वेरिएबल्स हैं अगर एक पे मैस ज्यादा कर दूंगा एक पे मैस कम कर दूंगा तो फिर तो इक्वल नहीं होगा गुड बेटा ओके अच्छा अब मैंने प्रूव करना है कि ब्लैक बॉडीज आर गुड एमिटर ऑफ हीट रेडिएशन तो उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट होना चाहिए सोचें कि ब्लैक बॉडीज आर गुड एमिटर ऑफ हीट रेडिएशन जी जनाब मैं सेम सेम काम करूंगा हां जी ब्लैक बॉडीज एट गुड एमिटर किसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ब्लैक बॉडी एज गुड एमिटर इसका एक्सपेरिमेंट तो क्या करें जी दो कप ले लें आइडेंटिकल एक कप ये एक कप ये दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल लें हॉट वाटर ठीक है इनिशियली हॉट वाटर है इस पे भी थर्मोमीटर इमर्स कर दें इससे भी थर्मोमीटर इमर्स कर दें ये व्हाइट कप है और ये ब्लैक कप है क्या जी आइडेंटिकल कप्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर इनिशियली और सेम इनिशियल टेम्परेचर क्या करेंगे रीडिंग्स आर टेकन रीडिंग ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर रीडिंग्स आर टेकन ऐसे लिखते टेम्परेचर रीडिंग्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड प्लॉटेड ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा बनेगा जनाब टेंपरेचर यहां पे टाइम यहां पे ये सराउंडिंग टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री तो ग्राफ कैसा बनेगा एक जल्दी से नीचे आएगा और एक थोड़ा लेट नीचे आएगा तो ये कौन सा होगा ये व्हाइट वाले का होगा आता आहिस्ते नीचे आ रहे है। और ये वाला कौन सा होगा ब्लैक कप देखो जल्दी इसका टेम्परेचर कम हो गया उसका आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो क्या प्रूव हो गया द ब्लैक बॉडीज आर गुड क्या प्रूव हुआ प्रूवड दैट ब्लैक बॉडीज आर गुड Emitter of heat radiations. Identical कप है same initial amount of water है दोनों में एक एक minute के बाद रीडिंग ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ब्लैक वाले का टेम्परेचर जल्दी से कम हो रहा है व्हाइट वाले का इससे कम हो रहा है अगर आपको चाहे जल्दी ठंडी करनी है तो ब्लैक कप यूज करें जल्दी से कॉपी करें एक्सैक्ट ओके बेटा आपको पता है जहां भी स्टेमना वाली गेम होती है वहां पे ब्लैक जो है ना ब्लैक पीपल जो ब्लैक होते हैं अक्सर वो रेस जीतते हैं जहां भी हार्ड रेस जीतते हैं जहां <usu� coachingyen> भी स्टेमना होता है उनका स्टेमना भी ज्यादा होता है अच्छे बॉक्सर्स होते हैं अच्छे एथलीट्स होते हैं जो ब्लैक पीपल होते हैं क्यों देखो जब मैं रेस लगा रहा हूं एक वाइट है और एक ब्लैक बंदा है तो ब्लैक जो होता है ना हम थकते पता क्यों है कि जब हम भाग रहे होते हैं ना तो हमारी बॉडी में इतनी हीट जनरेट होती है ज़्यादा हीट जनरेट होती है स्वेट भी आता है लेकिन उससे भी ज्यादा हीट जनरेट हो तो फिर मुश्किल होने लग जाती है सांस ज्यादा चढ़ता है और दिल खराब होता है भागना मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर हम हमारी हीट जल्दी जल्दी रेडिएट आउट होती रहे जल्दी जल्दी निकलती रहेगी तो हम देर से थकेंगे तो जो ब्लैक वाला एथलीट होता है ना ब्लैक एथलीट क्योंकि उसका कलर ब्लैक है तो उसकी बॉडी से ज्यादा इफेक्टिवली हीट रेडिएट आउट हो रही होती है वो इतना नहीं थकता जितना वाइट वाला एथलीट थकेगा वाइट वाले की बॉडी से इतनी ज़्यादा हीट रेडिएट आउट नहीं होगी जितनी ब्लैक वाली बॉडी से होगी ब्लैक बॉडी ब्लैक एथलीट की बॉडी से ही जल्दी जल्दी रेडिएट आउट हो रही है तो वो नॉर्मल रहेगा वो इतना ज्यादा नहीं थकेगा जितना व्हाइट वाला थकता है क्योंकि उसकी बॉडी ब्लैक कलर की रेडिएशन प्लीज कॉपी कर लें जल्दी से जी बेटा आजान हो रही है कॉपी कर लीजिएगा आज के लिए काफी है थैंक यू स्टूडेंट्स